minus 2 root x. Sorry. कौन सा फॉर्मूला लगाया है? अरे 4 root x था, 2 into 2 root x. 1 minus 2 root x का होल स्क्वायर. क्यों किया ऐसा? देखो tan इनवर्स है तो हमारे दिमाग में तुरंत tan 2 थीटा का फॉर्मूला आ जाना चाहिए. क्या होता था? 2 tan थीटा 1 minus tan स्क्वायर थीटा. क्या करोगे बेटा? 2 root x को tan थीटा, 2 root x को tan थीटा. क्या आ जाएगा ये? बहुत स्लो सिलेबस चल रहा है, उसके बाद भी तुम्हारी जो है ना काम नहीं हो रहा, प्रेशर मान रहे हो. तो भैया कुछ मत करना, अभी छोड़ दो पढ़ाई लिखाई. बहुत काम करना बाकी है अगर कामयाब होना है तो, और नहीं तो मौजूद वालों को दिक्कत नहीं. क्या बना बेटा बताओ? टेन इनवर्स से टेन कट गया, थीटा की वैल्यू पता नहीं इसमें क्या दिक्कत हो जाती है. हमारा ना सिस्टम थोड़ा सा ये यूं हो जाता है ना, बार बार करना पड़ता है. इसमें ना हो रहा है यार, तू बताना कैसे होगा. पूरा हो जाएगा हो जाएगा, मतलब इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी. ये स्क्रीन में जितना भी चल रहा है रिकॉर्ड होगा. कंफर्म? तो ये और अच्छा हो जाएगा. ज्यादा लेगा आपको यूट्यूब पे ट्रांसफर तुरंत करना पड़ेगा. किसमें? यूट्यूब के सर्वर पे डालना पड़ेगा. कितना स्पेस ले लेगा ये? मैक्सिमम 3 GB लेता है ना, 3 GB तो फोन भी लेता है. डाटा लगाया ना डालते ना, वो तो मैं तो साथ साथ आ गया. क्या बना भाई? बस उसके बाद करो भाई डिवाइड dx. टेन इनवर्स का कैसे करोगे? टेन इनवर्स का कैसे करोगे बताओ? 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है भाई, इंटू 2/2 रूट एक्स. बेटा 2 रूट एक्स का 2 एडिटीज, और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स. हो गया? और पूछो. ये हिमांशी के अलावा सार्थक तेरी कोई समस्या नहीं है, है? कब करेगा? अब यहां बैठेगा तभी तेरी मैं ठीक कर दूंगा. गौरव आज फिर पिक्चर यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी डालते हैं ना, अगर नेक्स्ट क्लास में करके ढीले के आओगे ना तो यहां बैठ काम करना पड़ेगा. ठीक है, और नहीं तो पापा को मैं यही बुलाऊंगा तुम्हारा. अभी तुम बैठ के करो, कोई कोई करेगा. देखो कोई फायदा नहीं, मैं यहाँ बैठ के मतलब मैं करते चला गया हूँ. आपकी कभी तबीयत खराब थी यार, एक बात मेरे को समझ नहीं आता है भाई, थोड़ा सा जुकाम और थोड़ी सी खांसी, सर में दर्द, मुझे बालू मस रहता. कितनी बार छुट्टी की, लोग हैरान रहते हैं मेरी माँ गुजर गई पीछे. ठीक है, तो प्लस टू का बहस था, वो कहते हैं ये आदमी कैसा, इसकी माँ गुजर गई फिर भी पढ़ा रहे. भाई एक दिन मुझे थी, मैं जो मेरी जरूरत थी उसको पूरा करके वापस आके मैं बैठ जाऊं आराम से, मैं तो उचित समझता हूं क्योंकि मेरी थ्योरी दूसरी है. मैं मानता हूं काम करिए, आगे बढ़िए, जो है वो जो जा चुका उसका कुछ नहीं होना. बोलो और कुछ बेटा? सारे खत्म हो गए? जब तक
मजा नहीं आता ना जब तक चारों तरफ से कोसाइन इनवर्स एक्स स्क्वायर एक्स की फोर प्लस ए की फोर। हाँ भाई ऐसा कुछ रखना है और ये भी समझ में आ गया एक्स स्क्वायर की जगह रखना है, एक्स स्क्वायर की जगह रखना है। नेक्स्ट क्लास में आते ही पहले मुझे चेक कराओगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है? आज फिर भेज दूंगा, मैं बार बार भेज चुका, प्रेस आउट करो तो क्यों मोबाइल की मेमोरी भरते हो, है पीछे से देखोगे तो उसमें है ग्रुप। एक्स स्क्वायर की जगह बताइए मुझे क्या रखोगे, देखो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, जो क्वेश्चन आएंगे ना वो किसी से पूछ के नहीं आते, ठीक है? फोर होनी चाहिए था, ये बताओ किसी को डाउट हो गया, क्लियर है? क्यों किया? ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ऊपर ए स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए हमें एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर का मल्टीपल लेना होगा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म बनाने के लिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टेन थीटा, क्यों लिया? ये आपको अगले स्टेप में पता लग जाएगा, करके देखिए आप खुद महसूस करोगे कि सर इसके बगैर आपकी बात नहीं है। एक बार इसको चेक करेंगे कि रिकॉर्डिंग सही हो जाती है तो इससे बढ़िया नहीं हमारे लिए, दो मोबाइल ही लगाना पड़ेगा मेरे दिखा रहा है, फिर ये बहुत क्लियर कट होगी। ये बेटा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है? क्या बनेगा भाई हमारे पास, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां तक तो क्लियर है भाई? अब आगे देखो कैसे करेंगे, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, बेटा इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर टेन थीटा एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर टेन थीटा प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है ये आ जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स ए स्क्वायर टेन थीटा अपॉन ए की फोर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए रेज टू पावर फोर, क्या आ जाएगा भाई ये साइन इनवर्स ए स्क्वायर टेन थीटा, बेटा ये ए की फोर और ए की फोर बाहर लोगे ए स्क्वायर, ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। रजत आ रहा है समझ नहीं आ रहा, बताऊ थोड़ी सी लापरवाही छोड़कर पढ़ना शुरू कर दो तो तुम लोगों ने मस्ती मार ली ना इधर लॉकडाउन में। बेटा ये टेन थीटा और ये वन प्लस टेन स्क्वायर का अंडर रूट सेकेंट थीटा, बेटा टेन होता है साइन अपॉन कोस और ये वन अपॉन कोस, ये साइन आ जाएगा साइन इनवर्स से साइन आ जाएगा थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होती है टेन इनवर्स आ गया नहीं आया समझ भाई, क्या आएगा बताओ, बेटा टेन इनवर्स का डेरिवेटिव वन बाई वन बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर
टेन इनवर्स का क्या होता है, वन बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और एक्स की जगह ये है आपका इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे क्या आएगा, वन बाई वन प्लस एक्स की फोर बाई ए की फोर, एक्स रेस्ट पावर फोर अपन ए रेस्ट पावर फोर इंटू बेटा एक्स स्क्वायर का टू एक्स, और ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है एज इट इज पड़ा रहेगा, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है एज इट इज पड़ा रहेगा। सेम कहा होगी इसमें वीडियो इसमें होगा क्योंकि ये तो शेयर होती है, तो ये मोबाइल से बेटर स्क्रीन होगी, सर वो अपलोड करने के लिए वो मतलब कि आपसे पूछे अपलोड करने के लिए कि अगर आपको इतनी स्पेस में अपलोड करना है कि स्पेस में अपलोड करना है तो थोड़ा साइज के साथ, अगर आप एक्चुअल साइज डालोगे तो टाइम लगेगा। स्पीड 50 मैं मोबाइल से डालता हूँ, 5-4 मिनट में कर देता हूँ, फोन की बात आ रहा है सर। अच्छा ठीक है भाई, मोरवाल ऐसा नहीं आ रहा, ऐसे लिंगन मत करो, कल कल बताओ दोबारा करवा रहा हूँ सारा, बार बार यूँ थोड़ी फिर तुम जो कहोगे तीसरी बात है किसी एक बार और कराओ, तो मैं तो यही करता रहूंगा, फिर जो ढंग का बच्चा है वो सफर करता है, इतना टाइम थोड़ी होना चाहिए था इसमें। और मैं ये एलिमेंट्स इसलिए करा रहा हूँ भाई कि ये सारा बेस है, समझे, आगे आप लोग बीएससी में जाओगे बीटेक में जाओगे तो ये कैलकुलस सारा का सारा ना वो यूज होगा, और अगर कैलकुलस पर आपकी कमांड है सारा का सारा बीएससी फर्स्ट ईयर बीटेक फर्स्ट ईयर सभी में कैलकुलस का इस्तेमाल होता है, तो वहां बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आएगी डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन की, आप वहां अटक के पड़ जाओ फायदा किया बताओ, ठीक है बोलो बेटा नेक्स्ट। हाँ जी टेन इनवर्स क्या होता है, 3 माइनस टू एक्स अपॉन 1 प्लस 6x, ठीक है, कैसे करेंगे भाई श्रीवास्तव, एक लाइन का क्वेश्चन, एक लाइन का ही क्वेश्चन है, बताओ कौन सी आइडेंटिटी है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये वाली आइडेंटिटी लगा दो, क्या बन जाएगा ये, जब ये आइडेंटिटी लगा दोगे तो सीधा एक लाइन में ये आपका आ जाएगा टेन इनवर्स 3 माइनस टेन इनवर्स 2, ठीक है, आज आखिरी दिन दे रहा हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद में नहीं दूंगा। हाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा परेशान होते हैं बच्चे, वजह वही है कि क्या पुट करना है, उसके आगे सारे इजी होती जाएगी, कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी आगे वाले में। बेटा टेन इनवर्स 3 का डेरिवेटिव 0 और टेन इनवर्स 2x का नहीं आया समझ, किसका हुआ रेट टेन इनवर्स का होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू इसका, ठीक है, ठीक है।
अब इससे ज्यादा तो मैं कोई नहीं समझा सकता। मैंने जितना समझा दिया हर बात को, हर चीज को तुम्हारे को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। मीटिंग रिज्वाइन करना था उस दिन क्या हुआ था, केमिस्ट्री वाला सर यहाँ अगर कोई आ रहा है। अच्छा फिर क्या रहा? रोड पे हम कमाई के चक्कर में आ जाते हैं, दे दिए मेरे 2-4 हजार रुपए समझे भाई। बेटा रीज्वाइन कर लो भाई, मतलब वीडियो है आपकी दोबारा आ जाएगी सुनते ही। तुम ये कहोगे तुम्हारी जो जनरेशन है ना वो मेरी जनरेशन से इंटेलिजेंट है, लेकिन बस केवल मेहनत का फर्क है भाई। तुम लोग लापरवाह हो, हम लोगों ने मेहनत की है भाई, अभी भी कॉलेज आए देख लो तुम्हारे सामने है ना। एक बात तो मान के चल, उसका पापा कंप्यूटर का आया तो फोन में कुछ तो गया होगा ना। तीन बात है साथ साथ गलत कह रहा हूँ। अब जैसे मेरे बच्चे हैं मैथ में तो ठीक मिला ही मिलेंगे कम से कम एटलीस्ट। मेरी लड़की का ना बायो में इंटरेस्ट था, तभी मैंने उसको मैथ दिला दिया। क्यों दिलाया? ठीक है मतलब उसका बहुत अच्छा मैथ नहीं था, फिर भी मैंने इसलिए दिला दिया मतलब मैथ तो पढ़ ही लेगी कम से कम। और पूछो जल्दी, हो गया तो पेज पे लिखो, यहां रखो, कल चेक करवाना मेरे से, आपको आके ध्यान देते हैं ठीक है, याद करके चेक करा लेना क्या है, मैं भूल जाता हूँ। क्या बना भाई? वाई इज इक्वल टू एक्स बाई टू है, कोई बात नहीं बताओ, वाई इक्वल टू एक्स बाई टू, ये करवा चुका हमें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अच्छा ये कहाँ है? एक प्रोडक्ट रूल लगाओ, x बाई टू एज इट इज, अंडर रूट वाले का डेरिवेटिव प्लस अंडर रूट वाला एज इट इज, ठीक है x बाई टू का डेरिवेटिव प्लस ए स्क्वायर बाई टू एज इट इज, ये रहा आपका कॉन्स्टेंट। देखो अगर कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड है तो एज इट इज पड़ा रहेगा, वो हमें कहीं दिक्कत नहीं करता। अब बेटा साइन इनवर्स का डेरिवेटिव
साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। मेरा प्रिंटर में दिक्कत आ रही है, तो सारे फॉर्मूले फोटो स्टेट के रूप में देना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि मोबाइल तुम खोलते नहीं, ठीक है, और दिक्कत आती है इसका हुआ भाई। अरे साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का होता है 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू किसका डेरिवेटिव, एक्स बाई ए का, 1/ए डायरेक्टली दिया था, ठीक है भाई। क्या बनेगा बताइए आपका, देखिए डायरेक्ट करने की आदत पाओ, एक्स बाई टू एज इट इज, का डेरिवेटिव 1/2 नीचे अंडर रूट। अब तेरे को आ रही है ना सारी चीज समझ रहा है, थोड़ा बहुत इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री मैंने बता दिया, स्वाभाविक दिक्कत आती है बच्चे को आती है जरूर। इंटू बेटा अंडर रूट का तो 1/2 नीचे अंडर रूट, इंटू अंदर वाले का ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का, ए स्केयर कॉन्स्टेंट है 0, एक्स स्केयर का 2x प्लस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर एज इट इज, एक्स बाई टू का डेरिवेटिव 1/2 प्लस ए स्केयर बाई टू 1/2 ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अपॉन ई स्केयर, मैंने इसका एलसीएम ले लिया क्या कुछ नहीं किया, और एक्स बाई ए का 1/a। अब आगे ईमान से अगर ये उम्मीद करती है कि मैं इसकी कैलकुलेशन भी करूंगा तो मेरे बस की नहीं, से चेंज हुआ मौसम मुझे लग रहा है, हाँ हल्का सा सडन चेंज हो गया, जो मतलब ठंडी सी महसूस हो रही है, हड़की सी एकदम गर्मी थी। हो गया क्योंकि छुट्टी के दिन याद दिला स्कूल को क्या था, ठीक है ना, थोड़ा सा कूलर भी चलेगा ना तो पूरी पंखड़ी उधर मोड़ देंगे, भाई इसको यहाँ नहीं रखनी हमने बस, और वैसे इसको तो टेम्परेरी लगा रखा है, एक दो मीटिंग रिकॉर्ड होगी फिर रिकॉर्ड बंद कर देंगे, सारी हुई पड़ी हमारी, ए से जड़ तक चैप्टर रिकॉर्डेड है, कुछ मिले नहीं इस करके इनको री रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन का सारा कुछ है, ए से जड़ तक लेक्चर हो गया भाई। ऐसी कोई क्लास हमारी नहीं है जो रिपोर्ट ना हुई, बड़ी में टाइम देखिए कितना हुआ तुम्हारी, छह बजे अभी 5-6 मिनट है, और पूछू